नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह अध्ययन मंत्र में आपका स्वागत करता हूं। बट आज एक मैं सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक पढ़ा रहा हूं, विशेषण। चलो, एक दिया मैंने दूषित, एक दिया मैंने दुर्गंध, एक मैं लिख देता हूं बड़ा और एक लिख देता हूं क्रूर, और कोई मुझसे पूछे इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है तो कई बार मुश्किल से नजर आता है, भाई कैसे पहचाने, और सारे शब्द गुण जैसे लगे नजर आते हैं। कहते हैं विशेषण उसे कहते हैं जो किसी का गुण हो। अब ये कैसे पहचाने इसमें विशेषण कौन सा नहीं है? तो देखो, विशेषण ना ये नहीं है, पता विशेषण ये कैसे, सुनो। दूषित जल कहते हैं जिस भी शब्द के साथ तुम संज्ञा फिट कर दोगे, और जब भी मैं लगाऊं ना दूषित जल, तो बता इन दोनों में एक सिमेट्री बन जाती है। दूषित जल खराब पानी है ना। अच्छा बताओ, बड़ा बच्चा, इसके साथ भी जल संज्ञा है, दूषित जल इसके साथ फिट हो गया, बड़ा बच्चा। अगर मैं कहता हूं क्रूर, क्रूर व्यक्ति, पर बताओ क्या दुर्गंध जल हो सकता है? पता है दुर्गंध तो प्रकट होती है। कहते हैं इसके साथ कोई भी शब्द संज्ञा का फिट नहीं होगा। कैसे पहचानोगे चार शब्द आ गए कौन सा विशेषण है कौन सा विशेषण नहीं है? कई बार बड़ा मुश्किल से नजर आता है। तो देखो, मैं एक चीज समझा रहा हूं, इस एक क्वेश्चन को मैं हटा लेता हूं, इसे मैं कमेंट बॉक्स में आपसे बाद में पूछूंगा। देखो भाई, सबसे पहले एक चीज सुनो, मेरे सामने किसी ने दो वर्ड दिए, सुंदर और क्या दिया, सुंदरता। अब सुनो, हमारी हिंदी में दो शब्द कई बार ऐसे लगने नजर आते हैं जैसे गुण हो, जो क्वालिटी को शो कर रहे हैं, जैसे सुंदर भी और क्या लिखा है, सुंदरता। अब दोनों ही गुण जैसे लग रहे हैं, पर ये कैसे पहचाने कि कौन सा विशेषण है और कौन सा भाववाचक संज्ञा है? दरअसल दो शब्द गुण की तरह नजर आते हैं, एक विशेषण होता है और दूसरा भाववाचक संज्ञा होता है। अब कोई मुझसे पूछे इसमें विशेषण कौन सा भाववाचक है, तो मैं कहता हूं ये विशेषण है और ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। अच्छा, भाववाचक की पहचान ऐसे करो, भावना सारे प्रकट हो जाते हैं। बताओ सुंदर प्रकट होगा या सुंदरता प्रकट हो सकती है? सुंदर प्रकट नहीं हो सकता, क्या प्रकट होगी? सुंदरता, किसी की सुंदरता झलक जाएगी। कहते हैं ये विशेष, ये भाववाचक संज्ञा है, पर तुम विशेषण कैसे पहचानोगे? तो देखो भाई, मैं एक चीज सिखा रहा हूं, वन वर्ड से विशेषण कैसे सीखा जाए, और खूब सी टेट में मैंने देख लिया, कभी परिभाषा नहीं पूछी गई। पैसेज में से एक शब्द उठा के देगा, कहेगा साधारण, क्या ये विशेषण है या नहीं है, इसको जज करना सीख लें। चलो भाई, तो देखो एक काम करो, ये कैसे डिसाइड किया जाए वन वर्ड में विशेषण है, पहले एक सेंटेंस दे रहा हूं, पहले इसे सुनो। अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं राम, क्या लिखा है, सुंदर है, अब ये वाक्य दिया मैंने, कोई मुझसे पूछे बताना इसमें से विशेषण कौन सा है, तो मैं छूटते कहता हूं ये रहा विशेषण, क्योंकि गुण जैसा लग रहा है। लेकिन पता है कई लोग ऐसे पहचानते हैं ये विशेषण है या नहीं है, पर कई बार ये जानते हैं कि अच्छा बताओ ये विशेषण है या नहीं है तो पता नहीं है, पर मुझे बताओ क्या ये विशेषण है या ये संज्ञा है। पता है किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना, और कोई मुझसे पूछे ये क्या है, तो मैं कहता हूं ये क्रिया है। अब कोई मुझसे पूछे विशेषण है, तो देखो ये विशेषण कैसे है, हमारी हिंदी में परिभाषा ये दी गई है कि जितने भी शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करेंगे, संज्ञा का गुण बन जाएंगे, वो विशेषण होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं राम सुंदर है, तो बताओ सुंदर कौन है, राम ही तो है। कहते हैं ये शब्द इसकी विशेषता बता रहा है। कई लोग ऐसे बताते हैं जो शब्द किसकी विशेषता बताएं, संज्ञा की बताएं, वो विशेषण होता है। अब ध्यान दो, इसमें कुछ करने वाला हूं, सुनो भाई। अब मेरे सामने किसी ने ये हटा दिया और किसी ने ये हटा दिया, अब मुझसे पूछा जा रहा है क्या यह शब्द विशेषण है या नहीं है। तो देखो मैं कैसे करता हूं, सीधी सीधी बात है, अगर यह शब्द विशेषण होगा ना तो तुम इसके आगे एक संज्ञा फिट कर दोगे। अगर मैं ये विशेषण है और इसके साथ संज्ञा कोई भी लिखूं, तो देखो अगर कोई संज्ञा लिखूं मैं, तो फिर जैसे ही मैं यहां लिखूंगा, तो फिर जब इन दोनों को एक साथ पढ़ूं, तो इन दोनों में एक सिमेट्री बन जाती है, इन दोनों में एक संबंध बन जाता है, इन दोनों का अर्थ निकल आता है। तो देखो एक काम करो, विशेषण तब पहचाना जाएगा जब उसके साथ संज्ञा लग जाएगा, ठीक। लेकिन जब किसी को संज्ञा ही नहीं आती तो कैसे विशेषण पहचाने? तो थोड़ा सा मैं विशेषण से पहले संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखो संज्ञा, मान लीजिए मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, आप कैसे पहचानोगे संज्ञा है नहीं, तो बताओ क्या लड़का संज्ञा है या नहीं है? बिल्कुल है। कहते हैं किसी प्राणी के नाम को क्या कहते हैं, किसी लिविंग थिंग को संज्ञा ही कहते हैं हम, है ना। अच्छा अगर मैं कहूं लड़का तो संज्ञा, क्या कुर्सी संज्ञा है? तो मैं कहता हूं कुर्सी भी संज्ञा है। पता है किसी प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं और किसी वस्तु के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। पर अगर संज्ञा पहचानना चाहो तो ऐसे भी पहचान सकते हो कि जो चीज आंखों से दिख गई वो संज्ञा ही है, लड़का भी दिखता है और शायद कुर्सी भी दिख जाएगी। दिखती दो चीजें, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग को कहते हैं प्राणी, नॉन लिविंग को कहते हैं वस्तु। तो किसी वस्तु के नाम को और किसी प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छा अभी मैंने बताया संज्ञा दिखती है, पर कुछ संज्ञा ऐसी भी है जो हमें डायरेक्ट नहीं दिखती, जिसे हम फील कर लेते हैं। पर संज्ञा, अगर मैं विशेषण की बात कर रहा हूं, तो यहां तो मैं इतना ही जान लो, जो दिख गया वो संज्ञा है।
अच्छा चलो बताओ ना, दो तीन वर्ड और बताओ, क्या गमला संज्ञा है? बिल्कुल संज्ञा है, जो दिख गया वो संज्ञा है, दिखती दो ही चीजें है, लिविंग और नॉन लिविंग। चलो लड़का, कुर्सी, गमला, ठीक है ना। चलो क्या खिलौना भी संज्ञा है? ये भी संज्ञा है। और कोई मुझसे पूछे कि ये पेन भी संज्ञा है? बिल्कुल निर्जीव चीज है तो संज्ञा है पेन। अब सुनो, ये तो रही संज्ञा, अब मैं ये कैसे डिसाइड करता हूं ये विशेषण है या नहीं? तो देखो भाई, सब बच्चे इस पे ध्यान रखना, अगर ये विशेषण है तो इनके साथ संज्ञा फिट हो जाएगी। अब मैं फिट करने आ रहा हूं, बताओ मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं कि सुंदर लड़का, सुंदर कुर्सी, सुंदर गमला, सुंदर खिलौना, अरे सुंदर पेन। क्या मैं इसके साथ अगर सुंदर लड़का लिखूं और इन दोनों को एक साथ बोलूं तो क्या इनकी सिमेट्री बन जाएगी? नहीं बन जाएगी? बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी, सुंदर लड़का। पर अगर मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा शब्द दूं सुंदरता, अब गुण तो यह भी दिख रहा है पर यह विशेषण इसलिए नहीं है क्योंकि इसके साथ संज्ञा फिट नहीं होगी। सुंदरता लड़का नहीं होता, सुंदर लड़का होगा। लड़का सुंदर है, यह इसका गुण है, पर लड़के के अंदर क्या है? सुंदरता है, यह उसका भाव है, उसका नेचर है, और वह प्रकट हो जाता है। सुंदर प्रकट नहीं होता, सुंदरता ही प्रकट हो जाएगी। बात समझ में आई? तो एक बात तो फाइनल हो गई, अगर कोई शब्द विशेषण है। अच्छा मैंने अभी लिखा था सुंदर लड़का, सुनो भाई इस शब्द के साथ तुमने कई सारे शब्द फिट किए, लेकिन अगर एक भी शब्द फिट हो रहा है ना तो विशेषण होगा, यह मानकर चलना। तो जो शब्द विशेषण है तो उसके साथ क्या फिट हो जाएगी? संज्ञा। तो बस इतना बताओ, शब्द पे बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारे सामने शब्द लिखने आ रहा हूं, क्या यह विशेषण है या नहीं है? चलो बताओ, सच्चा क्या विशेषण है या नहीं है? बिल्कुल विशेषण है, सच्चा व्यक्ति। लेकिन अगर ये आ जाए सच्चाई, तो ये विशेषण नहीं है, सच्चाई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के अंदर सच्चाई है, जो उसके अंदर है उसके भाव यहां प्रकट हो जाएंगे। तो ये भाववाचक संज्ञा है और ये क्या है? विशेषण। तो बस विशेषण बताओ। चलो बताओ, क्रूर विशेषण है या नहीं है? बिल्कुल क्रूर व्यक्ति। गंदा विशेषण है? बिल्कुल है, गंदा आदमी, ठीक है। खराब विशेषण है? खराब खिलौना, बिल्कुल विशेषण है। चलो दो तीन ऐसे बताओ, क्या जहरीला विशेषण है या नहीं है? जहरीला पानी, जहरीला सांप, ठीक है, विशेषण है। अगर मैं कहूं वीरान, वीरान विशेषण है, वीरान हवेली। लेकिन अगर मैं कहूं ना वीराना, तो वीराना तो प्रकट हो जाता है भाई। वीरान इसमें क्या है? विशेषण है। क्या मोटा विशेषण है? लजीज विशेषण है, लजीज पकवान, ये विशेषण है। तो विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ संज्ञा फिट हो जाएगी। क्या आत्मनिर्भर विशेषण है या नहीं है? बिल्कुल है, आत्मनिर्भर व्यक्ति। पर अगर आ जाए आत्मनिर्भरता, क्या ये विशेषण है? ये विशेषण नहीं है। तो जिस शब्द के साथ अगर संज्ञा फिट हो जाए तो विशेषण है। अच्छा आत्मनिर्भर व्यक्ति, ठीक है। क्या वीर विशेषण है? बिल्कुल विशेषण है, वीर बालक, बालक संज्ञा है। और अगर मैं कहूं वीरता, वीरता तो प्रकट होगी, ये तो उसके अंदर होगी। तो विशेषण उसे कहते हैं जिस शब्द के साथ संज्ञा फिट हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। मुझे लग रहा है शायद आ गई ये बात। अच्छा छोटी सी बात बताओ, अभी तो तुमने सीखा कि अगर एक शब्द आए तो वह विशेषण होता है। जैसे मैं कुछ शब्द और दे रहा हूं, मैं तुम्हारे सामने एक वर्ड दिया बहता, कोई पूछे क्या यह विशेषण है? बिल्कुल है, इसके साथ तुम संज्ञा फिट कर दोगे। बहता पानी है या नहीं है? बिल्कुल विशेषण है। अगर मैं कहता हूं खूखार, क्या विशेषण है? बिल्कुल है विशेषण, खूखार शेर, शेर भी तो संज्ञा है और ये इसकी क्वालिटी शो कर गया। बहता पानी, क्या एक शब्द से विशेषण पहचान लिया? पहचान लिया। पर कई बार एक शब्द से विशेषण नहीं होता, दो शब्द भी विशेषण का काम करेंगे। जैसे बताओ टेढ़ा मेढ़ा, क्या यह भी विशेषण है या नहीं है? टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, यह भी तो विशेषण है। सुनसान विशेषण है, सुनसान रास्ता, सुनसान गली, यह भी विशेषण है। जिसके साथ संज्ञा फिट हो, और गली दिखाई देगी, रास्ता दिखाई देगा, तो जिसके साथ संज्ञा फिट होगी वह विशेषण है। तो सुनो, एक तो है बहता पानी या बहता जल, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, क्या यह भी विशेषण होगा? बताओ नई नवेली, एक शब्द से नहीं दो शब्द से पहचानोगे। नई नवेली दुल्हन, समझ में आई बात? जरूरी नहीं एक शब्द का विशेषण हो, दो शब्द में विशेषण का काम करेगा। तो चलो बताओ यह विशेषण है, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, तेज चलने वाली, क्या यह विशेषण है या नहीं है? यह भी विशेषण है, क्योंकि तेज चलने वाली लड़की, तेज चलने वाली गाड़ी, लड़की और गाड़ी इसके साथ फिट हो जाएंगे। तो सुनो, विशेषण एक शब्द का भी होगा, दो का भी होगा, यह भी होगा। क्या फटे पुराने विशेषण है या नहीं है? एक साथ लिख देंगे कई बार, फटे पुराने कपड़े, बिल्कुल विशेषता प्रकट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई, आपने एक चीज सीख ली, एक शब्द से विशेषण पहचान लोगे, दो भी होगा तब भी विशेषण। क्या कोमल विशेषण है या नहीं है? पर कोमलता विशेषण नहीं है, कोमल काया, ठीक है या नहीं है? अगर मैं कहूं कीमती, क्या यह विशेषण है या नहीं है? बिल्कुल है, कीमती रत्न, यह विशेषण है। तो ध्यान रखना, विशेषण वो होगा जिसके साथ संज्ञा फिट होगी।
तो भाई ये मैंने तो करा दिया, अब मैं आपके सामने दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसे कमेंट बॉक्स में बताना इसमें कौन सा विशेषण है या कौन सा विशेषण नहीं। देखो पहले मैं क्वेश्चंस दे दूँ आपके सामने, आइए देखिए आपके सामने मैंने दो क्वेश्चंस दिए भाई। देखो इसमें तुम्हें ये बताना है इसमें इन चारों में से कौन सा विशेषण नहीं है, और इसमें तुम ये बताओगे कि इसमें से कौन सा विशेषण है। इसमें तीन शब्द ऐसे हैं जो विशेषण नहीं है, एक ही विशेषण है। इसमें तीन शब्द ऐसे हैं जो विशेषण हैं, पर इसमें बताना इसमें कौन सा विशेषण नहीं है और इसमें कौन सा विशेषण है। अच्छा सुन लीजिए, ये कमेंट बॉक्स में तो डालोगे, इसमें बताओ कौन सा विशेषण नहीं है और इसमें बताना कौन सा विशेषण है। पर एक काम करो, आज मैंने विशेषण ये करा है, अगली बार से विशेषण की परिभाषा और टाइप्स पे बात होगी कितने प्रकार का होता है। पर मैंने सीटेट में एक ही क्वेश्चन देखा बेटा कि एक चार अक्षर लिखते हैं फिर पूछते हैं इसमें कौन सा विशेषण है या कौन सा विशेषण नहीं है। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद।